नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियों के बीच थोड़ी सी खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रोजाना करोड़ों लोग ट्रेनों का सफर करते हैं। रेलवे के परिवहन के लिए एक निश्चित रास्ता बनाया जाता है जिसे पटरी कहा जाता है, जिसके लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी में रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए पटरियों के सेक्शनों को आपस में जोड़ा जाता है। अगर आप पटरियों के इन जोड़ों को ध्यान से देखें तो इनमें थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी जाती है। इनको आपस में मिलाकर नहीं लगाया जाता है। आप में से शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो कि ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पटरियां लोहे से बनाई जाती हैं और लोहा गर्मियों में ताप से फैलता है और सर्दियों में ठंड से सिकुड़ता है। अगर पटरियों को आपस में मिलाकर जोड़ा जाएगा तो गर्मियों के मौसम में लोहे के फैलने के कारण पटरियों के टूटने या टेढ़े मेढ़े होने की संभावना रहती है। इस कारण रेल की पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि रेल की पटरियों के बीच थोड़ी सी खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर लाइक उनको दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।